राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है बहुत स्वागत है आप सभी का मुख्यमंत्री रहेंगे पांच साल तक एके मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार दो ढाई साल तक तो मैं उम्मीद कर सकता हूं जो है देखिए अभी बिहार के राजनीति में आप अगर किसी को समझना है ना तो आप पार्टी के नेचर को समझिए मैं आप आप बीजेपी के पास परफॉर्मेंस को देखिए इनके जितने भी एलाइज थे क्या हुआ बिहार में अभी इन्होंने शासन की शुरुआत की है इनको बहुत सारे काम करना है वहां पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाना है ग्राउंड लेवल पे मे भी इनके जो एजेंडा है विकास के या कोई और उन चीजों को भी वो करना है अल्टीमेट गोल तो किसी पार्टी का यही होता है ना कि हम अपने अगर

एक, एक फॉर्मूला अब आगे क्या बनता देख रहे हैं आप नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बनेंगे सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री होंगे तमाम और अपने जो जितने घटक दल हैं उनको साथ लेकर चलेगी या यहाँ पर कहीं आप फिर बदल देख रहे हैं अगले छह महीने में नहीं देखिए पिछले इलेक्शन <laughs> को देखिए तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी लगभग अलग अलग होकर के लोगों ने लड़ा था अब इलेक्शन का थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे चेंजेस देखिए सबसे बड़ा गेन किसको हुआ है तो मैं मानूंगा सबसे बड़ा गेन बीजेपी को हुआ है इक्वेशन उन्होंने जो भी बनाए हैं वो माइक्रो लेवल के रणनीति है बीजेपी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझती थी कि अगर हम ऐसे करेंगे तभी हम बिहार में हम या हमारे सहयोग के साथ जो है सरकार बन सकती है यानी चीजें उन्हीं की हो रही हैं जो रणनीति बनाई थी तो अभी एटलीस्ट कम से कम बंगाल इलेक्शन एक इनका नेक्स्ट वो है बंगाल इलेक्शन तक मैं उम्मीद कर सकता हूँ कर सकता हूं कि सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से चलेंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे हो सकता है आगे भी वो एक्सटेंड हो आपको कोई फ्रिक्शन वहां पर ना दिखे लेकिन लेटेंट वे में एक चीज देखने वाली बात है जो बीजेपी की मैं खूबी है मैं इसको खूबी मानूंगा कोई भी पार्टी बीजेपी आज की डेट में केवल एक ऐसी पार्टी है जो कि एक छत्र राज्य करना चाहती है अच्छाई है कि बैसाखी के सहारे क्यों चला जाए कोई भी पार्टी ये चाहेगी कि हम 100 परसेंट अपने दम पे जीते क्लीन स्वीप करके जीते और पूर्ण बहुमत हो ताकि कोई रोका टकी रोका ना हो हुँ. तो बीजेपी का अल्टीमेट गोल क्या है चाहे स्टेट हो चाहे नेशनल लेवल का इलेक्शन हो बीजेपी का अल्टीमेट गोल हमेशा ही ये रहता है कि हम क्लीन स्वीप करें अपने दम पे जीते हुँ. कुछ मजबूरी के कारण जहां पर यह स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हैं एल को लेना हुँ. इनकी और दूसरे पार्टियों की भी मजबूरी रहती है बिहार में भी यही है ये मजबूरी है अगर बीजेपी को पहले जो ये सर्वे करते हैं कहीं से भी लगा रहा होता है कि हम ऐसे करके करेंगे तो अपने दम पे जीत जाएंगे तो ये किसी को किसी को अपने साथ नहीं लेते दूसरा सबसे खास बात मैं आपको बताऊंगा ये बहुत लेटेंट एनालिसिस है आप ये देखिए भाई अगर नीतीश कुमार की पार्टी मजबूत होती तो एनडीए ही मजबूत होती ना मैं बोलता हूं कि अगर नीतीश कुमार को भी 60 70 75 आ गए होते तो 150 160 160 के आसपास इन लोगों की सीटें होती कहीं ना कहीं बीजेपी ने तो गेन किया अगर जो पार्टी इतनी स्ट्रांग है स्ट्रेटजिक समझ रखती है कि खुद को सबसे बड़ी पार्टी एक तरीके से उभार दे सारी पार्टी पार्टियों को लॉस हुआ बीजेपी को गेन हुआ तो अपने सहयोगी की भी दशा और दिशा को वो समझती थी बीजेपी भी इस चीज को जानती थी कि नीतीश कुमार सीटों को लूज करेंगे लेकिन बीजेपी ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया क्यों नहीं किया अगर इंटरनल कंपटीशन की बात की जाए दो कंपटीशन होते हैं बाहरी पक्षों से लड़ना आरजेडी वगैरह से लड़ाई और इंटरनल इंटरनल में भी अगर एनडीए में दो तीन पार्टियां हैं तो उसमें सबसे मजबूत कौन पार्टी है उसके लिए जरूरी यह है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो कमजोर रहे घटक दल कमजोर रहे ताकि अपना दबदबा कायम रहे तो इसीलिए मैंने कल भी बोला था आपके साथ दिन भर कि बीजेपी ने एक तीर से कई शिकार किया अपनी डोमिनेंस को हर तरह से उसने मजबूत बनाया है शिविर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं अकेले बल आप एक चीज के दिखाइए लेकिन एक ही अगर बिहार के इन नारे इन परिणामों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीमांचल का वोटर किसी का गुलाम नहीं है कांग्रेस पर निशाना साधा जेडीयू पर निशाना साधा महागठबंधन पर निशाना साधा ओवैसी की रणनीति कितनी कारगर रही यहाँ पर देखिये ओवैसी की रणनीति जिस हिसाब से नए स्टेट को उनको पेनेट्रेट करना है उनका भी ये टारगेट है अभी भी वो धार रहे थे कि अब तो हम बंगाल में भी लड़ेंगे नई पार्टी हो करके एक स्टेट में हालांकि वो बिहार में काफी दिनों से जो है उनकी पार्टी के लोग जो है सक्रिय थे कई सालों से दो तीन सालों से और ये एक उनका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच था लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि भाई अगर आप बिहार की पार्टी में एज ए स्वतंत्र पार्टी की तरह आप हिस्सा ले रहे हैं तो केवल एक सिलेक्टेड एरिया में ही क्यों रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक हिडन एजेंडा भी होगा आप पूरे बिहार को जो है लेकर के चलते एक स्वतंत्र पार्टी की तरह अपने एजेंडे को रखते वहां पे मुझे उनकी ये कमी दिखी थी लेकिन हाँ सीमांचल में उनको यह लगा कि यहां हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है कुछ ना कुछ उनकी कैलकुलेशन थी चाहे वो कास्ट बेसिस रही हो चाहे मुद्दे वाइज रहे हो हमेशा से उन्होंने उसी एरिया पे काम किया और मैं समझूंगा कि नई पार्टी होने के कारण जितना उनको मिला आप ये देखिए ना एलजेपी से भी ज्यादा

नेचुरल अगर बिहार की जनता का देखा जाए नेचुरल आप सारे कंपोनेंट की सारी पार्टियों को अलग कर दीजिए उनको कंपोनेंट में डिवाइड कर दीजिए सबसे बड़ी पार्टी कौन सी आरजेडी बन के उभरी हुई है मतलब नेचुरल प्रिफरेंस तो फर्स्ट नंबर पे अभी भी वही है ना लेकिन ये स्ट्रेटेजिक जो चेंजेज हुई जो साठ गांठ कौन किससे करता है इससे परिणाम बदल गए वहां पर तो नेचुरल कहीं ना कहीं वोटर आज भी जो है वहां पे है लेकिन रणनीतिक रूप में कोई एक नया संगठन बना के कोई एक नया एलाइंस बना के बहुत सारी चीजों को बदला जा सकता है और मैं अब यह बोलने के लिए तैयार हूं या ये समझ लेना चाहिए वहां की पार्टियों को कि आप केवल पुराने टाइम की जो रणनीति रही है कि नेचुरल प्रिफरेंस बेस पे हम जीत जाएंगे कभी आपकी लहर होती थी उससे एडवांस लेवल पे सोचना शुरू करिए छोटी छोटी चीजें भी जो है आपके बहुत बड़ी जीत को बहुत बड़े हार में बदल सकती है शिवम चलिए बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही वक्त की कमी है